बंडा थाना क्षेत्र की बहरोल चौकी के अंतर्गत आने वाले दो गांव बजरेना और ढाण गांव के दो गुटों के बीच रविवार दोपहर खिरारी बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों गांवों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए और खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस मारपीट में ढाण गांव निवासी 50 वर्षीय खिलान पिता सुंदर यादव की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये आज दिन के करीब 12-12.30 बजे के बीच के दरमियान की बात है। इस दरमियान सगारी तालाब के पास में जो है दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हुआ, जिसमें कि अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है और 8 व्यक्तियों के भी घायल होने की सूचना पुलिस को मिली है। इस पर पुलिस के द्वारा जो है विधि सम्मत कार्रवाई जो होती है वो की जा रही है। चूँकि अभी घटना प्रथम दृष्टया जो पुलिस की कार्रवाई होती है कि उसमें जो घायल है उनको सबसे पहले चिकित्सा सुविधा अच्छी मिल जाए, ये पुलिस की पहली कार्रवाई है, इस पर पुलिस का पहला ध्यान है। इसके बाद फिर जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस पर मर्ग पंजीबद्ध करके अपराध कायम करके। सर मैंने सुना था अभी चक्का जाम भी किया था वहाँ के लोगों ने। नहीं, चक्का जाम के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह अवश्य है कि चूँकि जिस पक्ष की मृत्यु हुई है उस पक्ष के लोगों में आक्रोश अवश्य है, उन्होंने उस आक्रोश को पुलिस के समक्ष रखा भी, पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया है और उस पर वो कार्रवाई करेगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।